वेलकम टू माय चैनल। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मिश्री दोई बनाने के लिए एक तिहाई कप चीनी, चार बतासा। बतासा ऐड करने से दही का जो कलर है वो बहुत ही सुंदर आएंगी। बतासा आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैं आधा लीटर दूध की मिश्री दोई बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने चार बतासे लिए हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। लो फ्लेम पर एक से दो बार चलाएंगे। नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाने से ये जो चीनी है वो बहुत देर लगती है कैरमल होने, इसलिए इसमें थोड़ा सा ही ऐड करेंगे पानी, एक से दो टेबल स्पून के करीब, और मिक्स करेंगे। फ्लेम को कर देंगे लो। अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में बना रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, लेकिन इस तरह की नॉन स्टिक कढ़ाई में इनमें बहुत ज़्यादा समय लगते हैं। और शक्कर जो है वो कैरेमल होने की जगह क्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं, तो इसीलिए इसमें ऐड कर रही हूँ विनीगर, आधा टीस्पून विनीगर। मिक्स करेंगे जिससे कि शक्कर क्रिस्टलाइज्ड नहीं होंगे। वन टेबल स्पून और पानी मिक्स करेंगे, और चीनी जो है इस तरह से पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब इसका बना लेंगे हम कैरेमल। लो फ्लेम पर चलाते हुए, लगातार चलाते हुए 8 से 10 मिनट के लिए चीनी को कैरेमल होने तक पका लेंगे। कैरेमल बन चुकी है। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे दूध, आधा लीटर दूध जो कि रूम टेम्परेचर में है। दूध को थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। इनमें बहुत ही ज़्यादा झाग आएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। चीनी जो है दूध जितना गर्म होगा उसके साथ ही ये मेल्ट हो जाएगी। सभी चीनी दूध में इस तरह से घुल चुकी है। अब इसको गाढ़ा हो जाने तक पका लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। दूध का कलर चेंज हो चुका है। ये ठंडा होने के बाद इसका कलर और भी डार्क हो जाएगा। कढ़ाई की साइड से मलाई को ले लेंगे। दूध को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। 200 ग्राम दही जिसको मैंने एक घंटा पहले ही छन्नी में दे दिए हैं। मिष्टी दही बनाने के लिए आप ज़रूर हंग कट का इस्तेमाल करें। दही को 5 मिनट के लिए फेंट लेंगे स्मूथ हो जाने तक। दूध इस तरह से गाढ़ा हो चुका है और इसका कलर और भी थोड़ा सा डार्क हो चुका है। दूध को आपको इतने तक ही गर्म रखना है जिससे कि आप इनमें आपकी उंगली इस तरह से डिप कर सकें। दही पूरी तरह से क्रीमी बन चुकी है। अब इसमें दूध को बैचेस में ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे।
और इसको 5 मिनट के लिए फेंट लेंगे। इस तरह से ऊपर की तरफ करेंगे जिससे कि ऊपर बबल्स आ जाएंगे। दही जमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब दही को जिस बर्तन में हम सेट होने के लिए रख देंगे उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ी सी ऊंचाई से वो रखेंगे जिससे इनमें बबल्स आए। ऊपर की तरफ थोड़ा सा बीट कर लेंगे। दही को मैं कुकर में बनाऊंगी जिसके लिए कुकर में एक स्टैंड रख रही हूँ। पहले दही को रखेंगे। फॉइल से कवर कर देंगे। लीड को लगाएंगे विसल और गास्केट के साथ ही। बिल्कुल लो फ्लेम पर 40 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में पका लेंगे। 40 मिनट के बाद कुकर को मैंने नॉर्मली ठंडा होने के लिए रख दिए थे। उसके बाद ढक्कन खोलेंगे और फॉइल को हटाएंगे। दही पूरी सेट हो चुकी है। सिर्फ 40 मिनट में ही होममेड दही। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। उसके बाद परोसेंगे। आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद मैंने इनको निकाल लिए है। अब इसको मैं काट कर दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दही बनी है। खाने में बिल्कुल मार्केट की दही की तरह है। बहुत ही अच्छी दही जमी है, बिल्कुल मार्केट की दही की तरह। इनमें ये जो पानी है ये ग्लास मटेरियल बोल में मैंने दही को सेट होने के लिए रख दिए थे, इसीलिए इनमें जो पानी है वो सोक नहीं हो पाई है। अगर आप मिट्टी के बर्तन में इनको दही को जमाएंगे तो ये पानी जो है वो पूरा सोक कर लेगी। सेरेमिक या फिर कांच या फिर स्टील के बर्तन में दही जमाने से ये पानी जो है इस तरह से रह जाएगी। अगर आप मिट्टी के बर्तन में दही को सेट होने के लिए रख देंगे तो ये पानी नहीं रहेगी, बिल्कुल मार्केट की तरह बन जाएगी। घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अब मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपकी दही भी कैसी बनी थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।